बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अशफाक अहमद। एज वी हैव स्टार्ट द किंगडम एनिमेलिया दैट इज चैप्टर 9, सो उसी के मुताबिक हमने इनसे पहले भी बहुत सी वीडियोस की है, डिफरेंट टॉपिक्स की है। इनसे पहले हमने पढ़ा था दैट इज द प्लेटी हेलमिंथस। टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल द एस्केलमेंटिस। सो एज यूजुअल, जिस तरह मैंने इन सब के लिए हर एक के लिए अपना ट्रिक बनाया है, सो इसी के लिए भी एक ट्रिक है, और उसी ट्रिक की मदद से वी विल स्टडी इन डिटेल द एस्केलमेंटिस। एस्केलमेंटिस में बहुत से क्लासेस है फाइलम एस्केलमेंटिस में। सबसे बड़ी जो क्लास है इसकी वो है दैट इज द नेमाटोड्स। सो बासांटिस जो है वो नेमाटोड्स को एक फाइलम का दर्जा भी दे देते हैं, क्योंकि वो इसकी सबसे बिगेस्ट है। सो इन सम बुक्स दे हैव राइट द फाइलम नेमाटोडा। सो टुडे वी विल डिस्कस द एस्केलमेंटिस आर नेमाटोड्स इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया है। उमूमन जो दादा है या दद्दू जिसे बोलते हैं, वो बच्चों से अपने नवासी नवासों से क्या पूछते हैं, कहानियाँ पूछते हैं, पोएम पूछते हैं, एक्सेट्रा जो भी वगैरह नाइट के टाइम में पूछते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी उसी पे एक बनाया है। सो दैट इज इफ दद्दू जो दादा है आस्क अबाउट अ ब्यूटीफुल पोएम, ब्यूटीफुल पोएम के मुताबिक वो पूछता है, इसी से बनाएंगे आप ये वाला। सो आई फॉर दैट इज आई is F internal fertilization। क्या चीज हो गई ये? internal fertilization, ठीक है। if यहां पे हमारे पास इसमें दो फॉर्म्स होंगे, एक फ्री फॉर्म है, एक पैरासिटिक फॉर्म है। सो यहां पे फ्री फॉर्म, तो if आर फ्री फॉर्म दोनों वाले मौजूद हैं, फ्री फॉर्म भी है और पैरासिटिक फॉर्म भी है। सो फ्री फॉर्म हमारे पास, अच्छा फ्री फॉर्म के लिए इसके लिए मैं कुछ इसके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कुछ बेनिफिट्स बता दूं। फ्री फॉर्म इसका काम क्या है, दैट इज डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशंस करवाते हैं, एक एमसीक्यूज तो ये हुआ है इसमें बेटा। और फिर डिकम्पोजिशन की वजह से यू नो वहां पे क्या बढ़ जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी। Soil fertility, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि the soil fertility is increased by the nematodes, तो how? That is by decomposition, एक MCQs तो ये हुआ। अगर ऐसा आ जाए कि the soil fertility is increased by the form of escalmentis and nematodes, so that will be the free form, ये अलग इसमें हो गया। समझ आ गई बेटा? अच्छा चलो डी से, अभी मैं डी से ले लू। एक तो इसमें है डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या चीज है? डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब दावा फॉर्मेशन मोस्टली में नहीं है, दैट इज द डायरेक्ट डेवलप, डायरेक्टली बनेंगे। और एक इसमें है डाइएशियस, डाइएशियस। और थर्ड इसमें मैं यहां पे लिख दू डायमॉर्फिक, डायमॉर्फिक। डाइएशियस मैंने आपको पहले भी समझाया है, देयर इज सेपरेट सेक्सेस, यूनिसेक्सुअल, सिंपल वर्ड यूनिसेक्सुअल, ठीक है। द सेक्सेस विल बी सेपरेट। सो डाया मतलब डाया मीन टू, सो दो, दो का मतलब ये है कि दो सेक्सेस मौजूद होंगे। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें सिंपल बात क्या है, दो सेक्सेस मौजूद है। दो सेक्सेस का मतलब है कि मेल और फीमेल सेपरेट होंगे। इसका बिल्कुल अपोजिट हमारे पास आता है मोनोइशियस, जिसमें दोनों एक में मौजूद हो। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड हर्मोफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यहां पे बाइसेक्सुअल नहीं है, दैट इज डाइशियस। डायमॉर्फिक, एज द नेम इंडिकेट डाया, मॉर्फ मीन शेप्स, डाया तो टू हुआ और मॉर्फ मीन शेप्स, मॉर्फोलॉजी। तो इसी में ये है कि मेल और फीमेल की जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफर होगी। डायमॉर्फिक का मतलब क्या है, द मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजी।
equally differ from each other. Such a state is called dimorphic state. As we are the dimorphic, हम में mammals में और जो other है उसमें हमारे पास क्या है vertebrates में, they have different male and female morphology. Size में भी difference है, shape में भी difference है. That's why it's called dimorphic state. ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक तो इसमें मैं लिख दूं यहाँ पे male और female चूंकि अलग अलग है तो इसमें differences कहाँ पे आते हैं, दोनों में क्या है, this is small size and this is large size. ठीक है, एक small size है एक large size होगी. एक तो ये वाले है. second जो differences है इसके shape में, कि मैंने एक साइज में बता दिया और दूसरे किस में डिफरेंस है, दिस इज इन शेप, शेप डिफरेंस भी है. ठीक है, सो हमारे पास यहां पे क्या हुआ, शेप डिफरेंसेस भी है और साइज डिफरेंसेस भी है. मैं यहां पे वो एग्जांपल एक लिख देता हूं, फिर इसी में वो डाल लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे शेप और साइज डिफरेंसेस है. अच्छा, मैं यहां पे शुरू में तो ये वाला भूल गया. सबसे पहले आपके ज़हन में जब आएगा कि ये ट्रिक किसके लिए है, सो देयर इज फॉर स्केलमंटिस, आस्क फादर इफ दैट टू आस्क अबाउट अ ब्यूटीफुल पोएम. तो आस्क जिस मैंने कहा है, तो आस्क का मतलब है यहां पे ए तो मैं लिख दूंगा दैट इज स्केलमंटिस, जो फाइलम नेम है स्केलमंटिस. ठीक है, एक तो ये हुआ. सेकंड इसमें एग्जांपल भी दे दे कि एग्जांपल भी यहां पे हो जाए, एस्केरिस लेम्ब्रिकाइट एक हमारे पास है, एस्केरिस स्पीशीज या लेम्ब्रिकाइट. ठीक है, सो आस्क से हमें दो चीजें मिल गए, एक तो पता चला कि दिस इज अबाउट द एस्केलमंटिस और सेकंड इनसे पता चला दिस इज अबाउट द, एक एग्जांपल भी है एस्केरिस लेम्ब्रिकाइट इसी में. ठीक है, अच्छा मैं यहां पे अब ऐसे ऐसे मैं लिख लूं एब्सेंट, क्या चीज लिख लूं, एब्सेंट. अब इसमें एब्सेंट जो क्लियर कट एब्सेंट है वो हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इसमें क्या है, एब्सेंट है. टी से एक तो इनसे आता है सेफलोब्लास्ट. तो आपको पहले भी एक ट्रिक सिखाया है कि जहां पे सेफलोब्लास्ट हो वहां पे क्या होंगे, बायलैटरल भी होंगे. चलो इस बी को मैं कैपिटल बना देता हूं कि इसी के साथ ही हो जाए, तो दैट विल बी बायलैटरल ट्रिप्लोब्लास्ट है. और एक बात इसमें हमारे पास जो वेनो है दैट इज थ्रेड वॉर्म, क्या है, थ्रेड वॉर्म. तो ये हमारे पास थ्रेड वॉर्म जनरली बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज दियर बॉडी इज एलॉन्गेटेड थ्रेड्स लाइक, जब ये हमारे पास फोल फॉर्म में आ जाते हैं या इसकी जब हम इंटरनल स्टडी करवाते हैं, सो दे लुक लाइक रिंग्स. That's why these are also called the ringworms, threadworms, ringworms. ये भी बोलते हैं. So यहाँ पे threadworm, so nematodes या escalmentis are generally also called the threadworms. ये भी बोलते हैं. अच्छा मैं यहाँ पे अब B के लिए लिखता हूँ, B body. ये इसमें एक है. Body हमारे पास है और उसकी shape होगी cylindrical. क्या होगी? P, P से हमें मिलता है सुडोसिलाम एंड
एक तो ये बात हो गई, सिर्फ यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी मिल जाएगी इसकी, दैट इज पिन वॉर्म। क्या चीज है? पिन वॉर्म, वो भी आपको मिल जाएगा इसी में, ठीक है। तो ये आपका हुआ सेकंड एग्जांपल। एक एग्जांपल यहाँ पे एस्केरिस लम्बी गार्ड का है, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया दैट इज द पिन वॉर्म। पी से हमें आया है द सोडियम एज वेल एज द पिन वॉर्म। E, that is the endoparasite. क्या चीज है? एंडो पैरासाइट। तो मैंने आपको शुरू में कहा कि फ्री फॉर्म भी है और पैरासिटिक फॉर्म भी है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास के डिजीज कार्डिंग, तो डिजीज कार्डिंग तो डेफिनेटली ये पैरासिटिक फॉर्म में होंगे, क्योंकि पैरासाइट आल्सो कॉल्ड द पैथोजेंस, और ये फ्री फॉर्म डिकम्पोजिशन है, साइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। सो हमारे पास एंडो पैरासाइट्स है ये वाले, स्केरिस एंड पेनवॉर्म, दीज बोथ आर द एंडो पैरासाइट, ठीक है। यहां पे मैं लिख दू एम के लिए, एम एम के लिए है मसल्स, ये एक पॉइंट है इसमें मसल, लेकिन मसल आप लिखेंगे Only longitudinal, ठीक है। No circular muscle, circular muscles नहीं होंगे, only longitudinal muscle होंगे। तो इसका function क्या है? So only whipping movement, क्या होगी इसमें? Only whipping movement। तो ये इसमें MCQ point of view से है कि हमारे पास जो escalmentis है उसमें कौन से मसल है? They have only one type of muscle and that is the longitudinal। इस वजह से इसमें ऐसे movement होगी, आगे जाएंगे ऐसे एक ही डायरेक्शन में, यूनिट डायरेक्शन में, ऐसे साइड पे नहीं जा सकते, because they have no circular मसल, सर्कुलर मसल नहीं है, दे हैव ओनली द लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक ट्रिक अबाउट द एस्केलमेंटिस, एस्केलमेंटिस के मुताबिक था, निमाटोड्स के मुताबिक था, उसमें एग्जांपल्स भी हो गए, उसके जो मेंटिक्यूलर कैरेक्टर थे सब इसमें क्लियर हो गए। यहाँ पे मैंने डायमॉर्फिक वाली बातें भी करवा दी, शेप डिफर है, साइज भी डिफर है, स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है। अगर स्केलिस लम्ब्रिकार्ड्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास ये पास कितना आता है 6 इंच से 12 इंच तक, और ये हमारे पास आता है 8 से 16 इंच तक, ये हमारे पास इसमें डिफरेंसेस हो गए। बाकी मैंने यहाँ पे आपको शेप की बात करवा दी, तो शेप में ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस इज द फीमेल, और मैं यहां पे एक बना दू दैट इज द मेल, ठीक है। सो साइज ब्यूटीफुल है और शेप ब्यूटीफुल हो जाएगा। नाउ एक मेल है और एक फीमेल है, नाउ दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल। अब देखिए, now this is the anterior end, this is the posterior end, एक तो clear cut, इसकी size में difference है, one is small and the other is large in size. Second, इसकी shape में differences है, shape भी आप देखिए, this is the anterior end, दोनों का anterior end is the pointed, pointed है, वो तो एक जैसा है, but the posterior end of both is changed. Why? यहाँ पे जो male है, इसमें special structure लगे हैं, this is called pineal CT, pineal सीटी, ठीक है। पीनियल सीटी का काम क्या है? इट होल्ड द फीमेल, नाउ फॉर एग्जांपल इज द फीमेल, सो विद द हेल्प ऑफ दिस हॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इट विल बाइंड विद द फीमेल बॉडी, और सिंपली इट होल्ड द फीमेल बॉडी फॉर्मली ड्यूरिंग कपलेशन। किस टाइम? ड्यूरिंग कपलेशन। इनसाइड दीस दे हैव स्पेशल डक्ट्स, the tubes, and their tubes are ducts are called pineal spicules. क्या बोलते हैं बेटा? Pineal spicules. वो ducts
जो पीनिस पे क्यूल है, डक्ट है, उसका काम क्या है? इट विल ट्रांसफर द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल बॉडी टुवर्ड्स द फीमेल बॉडी. दैट्स व्हाई यहां पे लगा है द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल है. सो पीनियल सिटी के अंदर क्या चीज है? ट्यूब्स है, डक्ट्स है, उसके थ्रू जो हमारे पास जर्म सेल्स है, दैट इज द स्पर्म है, वो ट्रांसफर करेंगे. दैट्स व्हाई द पीनिस पिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड द स्पर्म डक्ट. क्या बोलते हैं उन्हें? स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं. तो ये और ये साइज वाली बातें भी हो गई. आप देखिए क्लियर कट इसमें साइज डिफरेंस है. सो दिस इज अबाउट द फाइलम स्केलमेंटिस, उसकी मेन पिक्यूलियर कैरेक्टर के मुताबिक एक ट्रिक आपको बता दिया और उसी के साथ एग्जाम्पल भी बता दिए. तो आज के लिए काफी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट फाइलम आपको बताएंगे विद द हेल्प ऑफ आ ट्रिक. थैंक यू.